ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ ग्रीष्म ऋतु पर 10 लाइनें। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, ग्रीष्म ऋतु का आगमन बसंत ऋतु के बाद होता है। दो, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तीसरा, यह 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक रहती है। चौथा, ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। पांचवा, इस ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। इस समय नदियों तालाबों में पानी कम होने लगता है। सातवां, गर्मी में सभी हल्के व मुलायम कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आठवां, ग्रीष्म ऋतु में आम, खरबूज, तरबूज फल खाते हैं। नवा, गर्मी अधिक होने पर विद्यालय में अवकाश होता है। दसवां, ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक कष्टदायक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।